सब्सक्राइब कीजिए डीके टेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस चौहान और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीके टेक हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ जो एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार एप्लीकेशन है। उसको इस्तेमाल करने के बाद आप सभी लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देख लेते हैं उस इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन को। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं उस एप्लीकेशन को। जैसा कि आप मेरी होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा वॉलपेपर देख रहे हैं आप, एक क्यूब जो है चारों तरफ घूम रहा है रैंडमली और उसमें मैंने जो है अपनी इमेज को सेट कर रखा है। तो आज मैं इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस तरीके की जो वॉलपेपर है, इस तरीके का जो होम स्क्रीन है, आप कैसे आप इसको सेट करें। तो इसी एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं इस एप्लीकेशन पे और देख लेते हैं इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या सेटिंग्स इसमें करनी पड़ती हैं। तो चलिए सिंपली इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओपन करने के बाद ये लोड हो रही है। लोड होने के बाद सिंपली आपको जो है इसका इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर तीन चार बेसिक सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। पहली सेटिंग है चेंज क्यूब इमेज। यहाँ पर आप क्यूब में जो इमेज घूम रही थी उनको आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी इमेज को लगा रखा है तो आप अपनी इमेज कोई भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है चेंज बैकग्राउंड। इमेज के ये क्यूब के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको कौन सा रखना है, आप इस ऑप्शन से वो बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आप गैलरी में से कोई इमेज सेट कर सकते हैं या फिर ऐप बैकग्राउंड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जो एप्लीकेशन के डिफॉल्ट बैकग्राउंड यहाँ पर ऐप में दे रखे हैं, आप इनमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम इसको सेट कर लेते हैं, तो हमने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है क्यूब कंट्रोल, ठीक है ना। तो क्यूब कंट्रोल में जो है इसके क्यूब का साइज हो गया और क्यूब की स्पीड हो गया, ये चीजें इसकी सेटिंग्स है। तो यहाँ पर क्यूब साइज आपको तीन साइज मिल जाता है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। तो अभी मैंने इसको लार्ज साइज में सेट कर रखा है, आप इसको मीडियम में सेट कर सकते हैं, स्मॉल में सेट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे। और एक्स स्पीड और वाई स्पीड इसकी कितनी रखनी है ये भी आप यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लो और नॉर्मल, ठीक है। तो ये थी इसकी दूसरी सेटिंग। तो अब बात करते हैं थीम की। तो यहाँ पर आपको तीन चार थीम मिल जाती है, ये छह थीम यहाँ पर दे रखी है। तो इनमें से आप कोई भी थीम जो है सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। और लास्ट में आपने जो इमेज सेट की, आपने जो वॉलपेपर सेट किया वो कैसा लगेगा आपके होम स्क्रीन पर, तो उसको प्रीव्यू करने के लिए लास्ट वाला ऑप्शन आपको प्रीव्यू का दे रखा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रीव्यू आपको नजर आने लग जाएगा कि इस तरीके से आपका वॉलपेपर दिखेगा, आपका होम स्क्रीन इस तरीके से दिखेगा। तो पूरी सेटिंग्स करने के बाद इसको सेट वॉलपेपर कीजिए और फिर बैक जाइए। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर आपका सेट हो चुका है और बड़ा प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। तो आप मजे लीजिए इस वॉलपेपर के, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन है, काफी अच्छा होम स्क्रीन इससे बन जाता है, काफी अच्छा लुक देने लग जाता है ये ऐप। तो मैं सिंपली आपको ये ऐप दिखा लेता हूँ कि कौन सी ऐप है। आपको प्ले स्टोर में जाना है और सिंपली प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है यहाँ पर 3D क्यूब लाइव वॉलपेपर, ठीक है ना। 3D क्यूब लाइव वॉलपेपर, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। पहले नंबर पे आ जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिखेगा इसका लोगो। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है तो मैं नहीं करता हूँ, मैंने इसको किया हुआ है डाउनलोड। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसके मजे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और डीके टेक हिंदी चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक संगम को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो थी टेक संगम की तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे बेल आइकन को दबाकर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।